नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मुझे माफ़ी चाहिए कि मैंने आपको जो लोशो की अभी एक ग्रिड बना के भेजी थी पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने जो टाइटल लिखा था कि जॉब, मैरिज, एज, ये कैसे फाइंड आउट करें लोशो ग्रिड की सहायता से, तो उसने मैंने लोशो ग्रिड का वीडियो बहुत लंबी बन रही थी तो मैंने लोशो ग्रिड का डाल दिया था, लेकिन मैंने उसमें पार्ट 1 लिखना मैं भूल गया था, जो मैं अभी एडिटिंग के थ्रू कर दूंगा कुछ देर बाद में। तो अब जो मैंने उसमें लिखा था कि कैसे आप लोसो ग्रिड के थ्रू जान सकते हैं कि आपकी जॉब किस ईयर में लगेगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, नंबरों का क्या रोल रहेगा, आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम का, आपको बर्थ टाइम का यूज़ नहीं करना है, केवल डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करना है, तो ये लोशो ग्रिड से हम कैसे जान सकते हैं, ये हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे रेड बटन होगा इसको क्लिक कर दे, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेल जोर करिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लोशो ग्रिड के बारे में मैंने आपको सब बता दिया था कि क्या होता है ये, कि 3x3 का होता है लोशो ग्रिड, और इसमें इसमें हर तरफ से चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जोड़े ऐड करें तो 15 आता है, और इसमें जो सारे जो नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक के ग्रहों के जो प्लेनेट हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके बताए थे कि 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6, 4 राहु, 3 गुरु, 8 शनि वार का, 9 मंगल, 5 बुध, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 7 मंगल, 6 शुक्र का, तो ठीक है। और मैंने ये बताया था कि लोसो ग्रिड में यहाँ पे थॉट, पहला कॉलम थॉट, फिर विल का होता है, फिर एक्शन का होता है, फिर हॉरिजॉन्टल में होता है, फिर मेंटल, फिर इमोशनल, फिर प्रैक्टिकल ना होता है, ठीक है दोस्तों। अब रही आपको जॉब के बारे में, हाँ, कि जॉब कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि लोसो ग्रिड से हमें जॉब पता चल जाए क्या कैसे क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लोसो ग्रिड में हम लोग सबसे पहले सारे नंबरों को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट नंबर मून सन का होता है, सेकंड मून, थर्ड जुपिटर, फोर राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मार्स, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे कि अपने लोसो ग्रिड में किस तरह से कैसे नंबर पुटअप करने, और कैसे जानना है कि किस मंथ किस ईयर में आपकी जॉब लग जाएगी, कौन सा मंथ आपका फाइनेंशियली क्राइसिस देगा और कौन सा मंथ आपको फाइनेंशियली गेन देगा, तो वो उसको हम लोसो ग्रिड से कैसे जान सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कुंडली में कई धन योग होते हैं, वैसे लोसो ग्रिड में भी नंबरों का भी एक कम्बिनेशन होता है कि अगर ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में इंक्लूडिंग है तो आपको कहीं ना कहीं से ह्यूज अमाउंट में पैसा आएगा और अच्छी फाइनेंशियली पोजिशन होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लोशो ग्रिड को फिलअप कर लेते हैं। तो फिलअप करने का जो मैंने प्रोसेस बताया था कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हैं कि यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1990 है, ठीक है। तो इसमें हमने ड्राइविंग नंबर और कंडक्टर नंबर बताया था, तो ड्राइविंग नंबर के लिए आपको कैसे करना है कि ड्राइविंग नंबर में जो मूलांक नंबर है, जैसे कि यहाँ 25 है, 25 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया तो 7 नंबर हुआ, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी का सिंगल डिजिट का नंबर चाहे 1 हो, 2 से, 9 से है, तो 1 से लेकर 9 तक का है, तो वो इस तरीके का उसका ड्राइविंग नंबर हो गया। अब कंडक्टर नंबर जो क्या होता है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम कर लेते हैं, तो 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 0 इज इक्वल टू आएगा 33, एंड इज इक्वल टू उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आएगा, तो कंडक्टर नंबर 6 हो गया। तो ड्राइवर है 7 और कंडक्टर नंबर है 6, तो 7 नंबर केतु का होता है और 6 नंबर वीनस का होता है। तो केतु जो होता है वो आपको लग्जरियस भी देता है, और वीनस का क्या वीनस का दोस्त भी एक तरीके से मान लेते हैं 7 और 6, लेकिन थोड़ा सा 7 जो नंबर होता है स्टार्टिंग पीरियड आपको हार्ड एंड टफ लाइन देगा, ठीक है। तो ये ड्राइवर कंडक्टर थोड़ा सा न्यूट्रली फैन हुए, ज़्यादा ना दोस्त हुए ना दुश्मन हुए इस तरीके का, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ हो जाता है, ठीक है। अब हमने लोसो ग्रिड में ये नंबर भर लेते हैं, तो अब हमने जहाँ से हमने फिर से यहाँ पे उठा के हम लोग देखेंगे इस वाली वीडियो में कि जो जो यहाँ पे लास्ट कॉलम होता है, जो यहाँ पे लास्ट कॉलम होता है वहाँ पे 2 नंबर होता है, फिर 7 नंबर होता है, 6 होता है, फिर 9, 5, 1, 4, 3, 8, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 नंबर आ रहा है, ड्राइव है 2 नंबर है तो 2 नंबर भर दिया इनकी कुंडली में, 5 नंबर है तो 5 नंबर, इससे पहले ये वाले डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं 2, 5, ठीक है, 7 और 1, 9, 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग का यहाँ पे भर गया, ठीक है। 0 को हम लोग नहीं देते हैं यहाँ पे डिवीजन, ड्राइविंग नंबर 7 है तो यहाँ पे धर दिया, और यहाँ पे एक भी और फिर ड्राइवर 7 नंबर आ गया, तो यहाँ पे 77 हो गया, ठीक है। तो ठीक है,
और कंडक्टर नंबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से इनका एक लोशो ग्रिड तैयार हो गया, तो यहाँ से पूरा एक तैयार हो गया लोशो ग्रिड, तो ये इन्होंने भर दिया। तो 9 9 क्या है, यहाँ पे जो 9 नंबर है विल विल के कॉलम में, विल और मेंटल के कॉलम में हॉगवर्ट, तो ये आपका देखिए पूरा विल पूरा भरा है 9 9 5 1, ठीक है। तो ये 9 9 5 ये मार्स हो जाएगा, ये मरकरी का हो जाएगा, ये सन का हो जाएगा, ये मून का, ये केतु का, ये वीनस का। लेकिन यहाँ पे इनके ये दो कॉलम हो गया, तो यहाँ पे दो कॉलम पूरे फिलअप भरे हैं, तो इसका मतलब ये जो इनकी लाइफ है ठीक चलेगी, लेकिन कोई खास नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्राइवेट ही जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए 8 नंबर, यहाँ का 8 नंबर थॉट्स में 8 नंबर आना पूरा चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलम होता है थॉट और ये एक प्रैक्टिकली का, कि थॉट और प्रैक्टिकली लाइफ में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पूरा कॉलम भरना चाहिए, यहाँ पे जो कम्बिनेशन होता है 8 1 6 का वो कॉलम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मरकरी और शुक्र का है, यहाँ पे 4 नंबर जो ऊपर आता है वो नहीं है, तो अगर यहाँ पे 4 5 6 नंबर आता तो ह्यूज अमाउंट मल्टी मिलियनियर आदमी होता, लेकिन यहाँ पे 5 6, और क्योंकि यहाँ पे 9 9 है और 9 5 1 है, तो ये सेमी गवर्नमेंट से कनेक्ट रहेगा या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट तो नहीं आएंगे, 9 नंबर है ना, 3 नंबर भी नहीं है यहाँ पे, 3 नंबर जो जुपिटर का होता है वो भी गवर्नमेंट इंडिकेशन होता है, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि इनका लक भी इनके साथ नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हो कि जुपिटर का नंबर होता है 3 नंबर होता है, और उसका जो कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो नवा घर होता है, तो 3 3 9, 3 3 6 9, ठीक है। तो जुपिटर का ये भी ये कंडीशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ गई। अब इनको फाइंड आउट करना है कि किस ईयर में, आपको सपोज जिस ईयर का पता करना है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का ये पूरा, जैसे आपने ड्राइविंग कंडक्टर निकाल लीजिए, अब आपको पता करना है किस ईयर में आपकी जॉब लगेगी है, किस मंथ में जॉब लगेगी, तो आपको चेंज क्या करना है। अगर आपको ईयर में जॉब का पता करना है, तो आप ये पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये और ये पूरा मंथ है, और ये जी पूरा ये है, ये चीज़ें एक सेम रखेंगे, सिर्फ ईयर चेंज करेंगे। 2018 करना है तो 2000, तो यहाँ पे 2018 कर लिया है, ठीक है। तो 2018 को अगर हम लोग सम करेंगे, तो आपका आप देख लीजिएगा, 2018 को यहाँ पे कर लिया जाए तो 8 9 2 11 दो बचता है, ठीक है, दो। तो इसको यहाँ पे अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे 7 7 14 और यहाँ पे 2 2 16, 7 नंबर आया, तो 77 नंबर यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इनको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे केतु का नंबर 7 है, तो यह ट्रेवलिंग कराएगा और यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली वीक कर देगा, 7 नंबर, ठीक। और बाकी जो नंबर है इनका, यानी कि जो इनका डेट ऑफ चल रही है, जैसे 25 आपने जुलाई 2018 का पूछा, तो बाकी आपने पूछा 25, तो 2 के नंबर 2 यहाँ पे भर दिया, 5 नंबर यहाँ पे भर दिया, ठीक है, 25 हो गया, 7 नंबर आपका पहले ऑलरेडी भरा जा चुका है, ठीक है। और 2018 2018 8 नंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 1 8, ठीक है, और कुछ नहीं, तो यहाँ पे इनका आ रहा है 2 5 2 5 8 का कम्बिनेशन आ रहा है, फाइनेंस का भी नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है, तो मीन्स ये कि 5 और 8 मतलब नौकरी करेंगे ये, लेकिन ये प्राइवेट नौकरी करेंगे, और ये शायद 5th मंथ में करें, या फिर जो या फिर 7th जुलाई महीने में करें, या इसको आप जोड़ लीजिए, या फिर आप जनवरी में फरवरी में पा सकते हो, या फिर आप मई में, या फिर आप 8वां महीने अगस्त से, ठीक है, या जनवरी, या फिर जनवरी में आप पा सकते हो, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं पा सकते हो, या 7वां महीना जुलाई, इसमें आप जॉब पा सकते हो, इन इस चीज़ों में आपका जॉब का पता लग सकता है, लेकिन आप प्राइवेट ही जॉब करोगे, ना कि आप गवर्नमेंट जॉब करोगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए यहाँ पे 3 का भी और 9 का भी होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेड, या फिर आप पूरा ग्रेड 8 1 6 का होना चाहिए, 8 1 6 का ग्रेड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब किस ईयर किस मंथ में निकल सकता है, उसके बहुत सारे तरीके मैंने बता सकता हूँ, लेकिन इसमें अभी पूरा वीडियो में नहीं आएगा। हाँ, मैं एक और तरीका आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, कि आप अगर अपने ड्राइविंग नंबर और कंडक्टर नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करें, 7 × 6 करें, तो ये आपका 42 हो गया, ठीक है। तो 42 ईयर नहीं हो गया, 42 ईयर नहीं होगा, आपको क्या करना है,
जो ये 42 आया है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 नंबर, ठीक है। तो अब आपका 8 और +7 +6 8 7 15 15 6 21, तो फर्स्ट जॉब आप 21 में भी पा सकते हो, ठीक है, 21 ईयर की एज में पा सकते हो। दूसरी जॉब अगर आपको नहीं पाना है तो आप हर अपने ड्राइविंग और कंडक्टर ईयर के ईयर का जो पर्सनल ईयर आता है, जैसे कि अब आपको 2012-13 के बारे में जाना था कि 2013 में क्या है आपका, तो 2013 3 4 2 6, ठीक है। तो आपका कंडक्टर नंबर 6 हुआ और ड्राइविंग नंबर जो आपका क्या है 7, और कंडक्टर नंबर 6, तो ये मिला जुला रहा होगा 7 6 13, ठीक है, 7, ठीक। तो ये कोई खास असर नहीं दिया होगा, ट्रेवलिंग भी होगी लेकिन फाइनेंस आया होगा लेकिन चला भी गया होगा, क्योंकि 7 और 6 नंबर, 7 केतु का नंबर है, 6 वीनस का है, तो कोई फ्रेंडली नंबर नहीं है उतने ज़्यादा, ठीक है। आपको फाइनेंशियली गेन होना है तो आपके अगर कुंडली में या फिर किसी मंथ में आपका 5th, 4th, 5th और 6th का अगर ये लोशो ग्रिड में ये बनता है तो आप पक्का उस ईयर बहुत अच्छा फाइनेंशियली गेन करोगे, उस मंथ ईयर डे में वो आप प्रैक्टिकली एनालाइज करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। समस्याएं हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। धन्यवाद दोस्तों हेल्पो चैनल को देखने के लिए।